हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का सोशल स्टडीज का जो ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस चैनल पे आपको क्लास सिक्स से लेकर 12 तक का सारा सोशल साइंस से रिलेटेड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आज हम इस चैप्टर को समझने वाले नोट्स के थ्रू, तो देखिए सबसे पहले जो हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन। देखिए, किसी भी चैप्टर को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है, पढ़ने से पहले, कि बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, क्या मेन पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं, क्या मेन कॉन्सेप्ट है, किस तरह की चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे देखिए, चैप्टर का नाम है लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो देखिए, लास्ट वर्ड जो है रिसोर्स, और उससे पहले ये सारे वर्ड लिखे गए, तो इट मीन्स इन ये सब सारी जो भी लैंड है, सॉइल है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन है, एक्चुअली ये सारे सारे रिसोर्स हैं, ठीक है। और ये किस तरह के रिसोर्सेज हैं, इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं, और इनको यूटिलाइज करके जो ह्यूमन है वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि इन दिस चैप्टर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में, साथ ही उनको किस तरह से कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए काफी हेल्पफुल है, हमें इनको सस्टेन करना चाहिए, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। आज प्रेजेंट जनरेशन तो इनको यूज करती है, साथ ही इनको हमें कंजर्व करना है ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी इनको यूज कर सके और यूटिलाइज कर सके। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंड के बारे में। जैसे हमें सबसे पहली चीज ये अच्छे से पता है कि लैंड अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अगर ऑलमोस्ट ओवरऑल देखा जाए तो 30% जो टोटल एरिया अर्थ सर्फेस का ये कवर करता है, ऑल पार्ट ऑफ स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल, और अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे पॉपुलेशन का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, देखोगे कहीं पॉपुलेशन कम होती है, कहीं पे ज्यादा होती है। तो इसका भी रीजन वहाँ की लैंड फॉर्म्स होती है, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। देखिए, जो लैंड होता है, क्लाइमेट होता है, अगर फेवरेबल कंडीशन हर जगह मिलती है लोगों को तो उस जगह पॉपुलेशन ज्यादा होती है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पॉपुलेशन का वो ज्यादा होता है। अगर किसी एक एरिया में अगर वहाँ पे प्रॉपर लैंड और क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है, फेवरेबल सुटेबल कंडीशन नहीं होती, तो वहाँ पे पॉपुलेशन लेस भी होती है। तो इसका एक काफी बड़ा रीजन ये भी होता है। इसके बाद देखिए, लैंड यूज देखे जाए तो ओवरऑल किस तरह से इंसान ने और लैंड को यूज किया है, तो हम देखिए लैंड जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गई, बिल्डिंग हाउसेस हो गया, रोड्स हो गई, सेटिंग अप, अगर इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है, तो देखिए हर एक काम के लिए हमें लैंड तो चाहिए चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हम हमेशा बात करते हैं, अगर हमें कोई प्रोडक्शन करना है, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले उस बिजनेस के लिए हमें पता है कि कैपिटल तो रिक्वायरमेंट है ही, पर कैपिटल से पहले लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। जमीन सबसे पहले लेनी पड़ती है, अगर एक फार्मर है, अगर उसे खेती करनी है तो उसे लैंड की रिक्वायरमेंट है, अगर किसी को इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए भी लैंड चाहिए। तो इस तरह से हम लैंड यूज समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लैंड का किस तरह से यूज करते हैं, हम किस तरह के कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इसके बाद देखिए, लैंड जो होता है उसको द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स। हम जब भी उसको यूज करते हैं लैंड को, तो फिजिकली फैक्टर्स को डिपेंड करते हैं, जैसे कि टोपोग्राफी कैसी है, वहां की सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और साथ ही देखिए ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, कहाँ पे किस तरह की पॉपुलेशन रहती है, ज्यादा की कम है, टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ लैंड यूज पैटर्न। तो कहाँ पे हमें किस तरह की जमीन को कैसे यूज करना है, ये सब चीजों के लिए ये सारे जो फैक्टर्स है वो डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन फैक्टर्स देखें तो पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी ये सब चीजें डिपेंड करती है किसी भी लैंड यूज पैटर्न के लिए, और अगर अगर आप फिजिकल फैक्टर्स देखें तो उसमें टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल और जो वाटर है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद देखिए, लैंड कैन ऑल्सो भी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। इसके बाद जो है हम लैंड को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं उसके यूज के अकॉर्डिंग। तो एक कुछ लैंड होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है और कुछ कम्युनिटी लैंड होते हैं। देखिए, प्राइवेट लैंड से हमें मतलब समझ में आ रहा है जो किसी की अपनी पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, वो उसका ओनर है और उसकी प्रॉपर्टी पे किसी और की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, किसी और का कोई राइट नहीं है। और कम्युनिटी लैंड की बात करें तो जस्ट अपोजिट कर लीजिए। देखिए, कम्युनिटी लैंड वो लैंड होता है जहाँ पे हर किसी का इक्वल राइट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का अपने खेत है, किसी का अपना घर है, तो वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, उसमें किसी और इंसान का कोई हक नहीं होता, कोई राइट नहीं होता। बट आप कम्युनिटी लैंड देखें, जैसे पार्क हो गया, कोई भी पब्लिक पार्क हो गया, कोई रोड हो गई, तो एक ये तरह का कम्युनिटी लैंड है जहाँ पे हर किसी का इक्वल राइट होता है, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, यहीं पे इसकी डेफिनेशन जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वही डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि प्राइवेट लैंड जो होता है वो ओन्ड होता है इंडिविजुअल्स के द्वारा, जो कम्युनिटी जो लैंड होता है वो ओन्ड होता है कम्युनिटी के द्वारा। इसके बाद मूव करते हैं, जिस कम्युनिटी लैंड्स आर कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इसके साथ ही जो कम्युनिटी लैंड है
जो ओन्ड होता है पूरी कम्युनिटी के द्वारा, इसको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोलते हैं, जहाँ पे सारे लोगों का पूरा अधिकार होता है चीजों को यूज करने का। और इसके बाद मूव करते हैं, देखिए लैंड जो है धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि इंसान जो है अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए वो नेचर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया उसने, तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। और किस तरह से हो रहा है, जैसे लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट थ्रेट्स हैं एनवायरमेंट के लिए और हमारे लिए भी समझने के लिए। अगर धीरे धीरे हमने अपना पूरा ये जो लैंड है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको बर्बाद कर दिया, तो शायद हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट हेडिंग आ रही है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, क्योंकि अभी हमने लैंड के बारे में जान लिया, इससे रिलेटेड क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग आ रही है कि इसको किस तरह से हम कंजर्व करें। जैसे हमें अच्छे से पता है कि डे बाई डे ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से इतनी ज्यादा हमारी डिमांड बढ़ गई है कि इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम पूरे नेचर को डिस्ट्रॉय करें, एक्सप्लोर करें, लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन करें फॉरेस्ट का, धीरे धीरे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। देयरफॉर इसलिए बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों को देखा जाए, इसको ऐसे नहीं कि इग्नोर करके चल दिया जाए, इसको अच्छे से देखा जाए, साथ में इसको चेक किया जाए और इसके लिए कुछ मेथड्स भी इंट्रोड्यूस किए जाए ताकि इनको इस कंजर्वेशन को किया जाए। तो इस चीज के लिए कुछ कंजर्वेशन मेथड्स हैं, जैसे अफॉरेस्ट्रेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग। ठीक है, तो इन तरह के प्रोसेस को अगर फॉलो करें, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएं, लैंड रिक्लेमेशन करते रहें, केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज करें जिससे कि लैंड जो है वो डिग्रेड ना हो, उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस ना हो, साथ ही देखिए ओवरग्रेजिंग ना हो, जिससे जानवर जो चरते हैं तो कभी कभी जो टॉप लेयर सॉइल होती है जिसमें ह्यूमस कंटेंट होता है उसको भी खा जाते हैं, तो उस ओवरग्रेजिंग प्रोसेस को भी रोका जाए, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा एक्सप्लोटेशन होता है लैंड का। लैंडस्लाइड जो आपने देखा होगा कि आज सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, कभी भी जैसे एक मास मूवमेंट हुआ रॉक का एक जगह से दूसरी जगह, जब वो पूरा का पूरा जैसे मलबा ढह जाता है तो उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद, और ये कब होते हैं, जब जैसे कभी अर्थक्वेक आ गए, फ्लड्स आ गए, वॉल्केनोस हो गए, तो लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, और रेनफॉल की वजह से भी काफी ज्यादा, अगर हैवी रेनफॉल हुई तो लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं। इसके बाद देखिए सॉइल की बात करते हैं, तो सॉइल देखिए एक थिन लेयर होती है जिसमें ग्रेनी सब्सटेंस होते हैं कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के पूरे के पूरे सर्फेस पे आपको एक थिन लेयर मिलेगी ग्रेनी सब्सटेंस की, जिसे हम सॉइल बोलते हैं, और इट इज क्लोजली लिंक टू लैंड। ठीक है, लैंड के ऊपर ही सॉइल होती है तो ये बहुत ही लिंक करती है लैंड से, और लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। इसी के साथ जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल की वजह से ही हम उसको डिटरमाइन करते हैं। और सॉइल देखिए, इसके साथ ही सॉइल जो है एक ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर ब्लॉक्स जो आज पे पाई जाती है उनसे मिलकर बनी होती है, और ये जो सॉइल बनने का जो प्रोसेस होता है काफी लंबा होता है, जिसे हम वेदरिंग कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको लास्ट में मैं देती हूँ। तो पूरे के पूरे जब कई सालों के बाद जब सॉइल इस तरह से करेक्ट होती जाती है, जो पत्थर टूटते वगैरह हैं, आप कह सकते हो कि विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, तो इस तरह से जब वो डिपोजिट हो जाते हैं तो धीरे धीरे ये सॉइल बनती है, तो एक वेदरिंग का प्रोसेस होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स क्या है इसका, देखिए एक राइट मिक्स होता है मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का, मेक दिस सॉइल फर्टाइल। अगर कोई भी सॉइल अगर फर्टाइल है तो वो किस वजह से, क्योंकि इसमें राइट मिक्सचर होता है किसका, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का। जैसे एक बैलेंस डाइट होती है तो उसी तरह से अगर आप देखें तो एक राइट मिक्स मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का होगा तो उसकी वजह से सॉइल भी जो है वो फर्टाइल होगी। इसके बाद देखिए सॉइल प्रोफाइल की फिक्चर है, किस तरह से सर्फेस लेयर्स होती है, उसमें ऑर्गेनिक डेब्रिस होती है, पार्शली डिकम्पोज होते हैं, इसमें उसको ओ हॉरिजॉन्स बोलते हैं। फिर देखिए टॉप सॉइल है जिसमें मिनरल पार्टिकल्स मिक्स विद ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जिसको ए हॉरिजॉन्स बोलते हैं। फिर आती है आपकी सब सॉइल के लेयर, जिसको कंपाउंड ड्रेनिंग फ्रॉम अबव एक्युमुलेट बोलते हैं, इसमें ये वाले कंपाउंड्स होते हैं, और साथ ही इसको बी हॉरिजॉन्स बोलते हैं। फिर आपका आता है पेरेंट मटेरियल, जिसको पार्शली बेडरॉक रॉक होता है, ये सी हॉरिजॉन में आता है। फिर लास्ट आपका आर हॉरिजॉन है, जिसको बेडरॉक बोलते हैं। इसको हम मूव करते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से सॉइल फॉर्म होती है, तो ये जाता है फैक्टर, अगर देखें तो पेरेंट रॉक और जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उसके वजह से ये सॉइल फॉर्मेशन होता है। इसमें आपके अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे टॉपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन, कितना टाइम लगता है इस सॉइल के फॉर्मेशन होने में। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देखिए प्लेस टू प्लेस ये डिफर होता है सॉइल फॉर्मेशन का। और फैक्टर्स फिर से देखिए एक बार कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो एक है पेरेंट रॉक, क्योंकि पेरेंट रॉक इसके जैसे डिटरमाइन होता है कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट। और फिर देखिए रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप जो होते हैं उसमें डिटरमाइन होते हैं एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल एबिलिटी। फ्लोरा फाउना और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। फिर क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस।
और जो टाइम होता है वो डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। अगर ज्यादा टाइम होता है तो अच्छे से उसकी थिकनेस सॉइल की ज्यादा हो जाती है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर, इसके साथ ही देखिए किस क्या रीजन है जिसकी वजह से सॉइल जो है वो डिग्रेड होती जा रही है, धीरे धीरे इसका एक्सप्लोटेशन होते जा रहा है। इसके लिए देखिए ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं और कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसके वजह से डे बाय डे डिग्रेडेशन हो रहा है सॉइल का। अगर नेचुरल फैक्टर्स की बात करें जो सॉइल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ फैक्टर्स वो हैं, कुछ नेचुरल भी हैं और कुछ जैसे मैंने बताया कि आपको ह्यूमन वाले भी हैं। तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हो गया, रेन वॉश हो गया, लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स। तो देखिए लास्ट वाले कुछ जो हैं वो आपके नेचुरल वाले हैं और स्टार्टिंग के जैसे डिफॉरेस्टेशन होगा, ओवर ग्रेजिंग हो गया, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो ये ह्यूमन के द्वारा हो गया जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेड होती है। इसके बाद कुछ सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स दिए हैं किस तरह के मेथड्स हमें यूज करने हैं सॉइल को कंजर्व करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट है मल्चिंग, फिर है कॉन्टर बैरियर्स, फिर है रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग और फिर है शेल्टर बैरियर्स। देखो इसके हम इसको हम अच्छे से डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, मैंने पिक्चर्स यहाँ पे रखी है, बट एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखिए मल्चिंग क्या होता है, हम प्लांट के बीचों बीच जो है हम कुछ ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि स्ट्रॉ होता है उसको बिछा देते हैं जिसकी वजह से जो सॉइल में जो मॉइस्चर है वो वहीं पे बना रहता है, खत्म नहीं होता है, सनलाइट उसकी वजह से उसको अब्सॉर्ब नहीं होता है। फिर कॉन्टर बैरियर्स क्या होते हैं कि फसलों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, सॉइल के जैसे स्टोन्स और ग्रास जो होते हैं, सॉइल इज यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कॉन्टर्स। तो स्टोन की मदद से या ग्रास की मदद से हम जो है एक तरह के बैरियर्स लगा देते हैं। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, जिसकी वजह से हम वाटर को वहां पे कलेक्ट कर लेते हैं। फिर देखिए रॉक डैम क्या होता है कि रॉक्स का पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, रॉक्स को एक साथ लगा दिया जाता है जैसे एक तरह की बाउंड्री बना दी जाती है, दीवार बना दी जाती है जिससे कि जो वाटर का जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है और इसकी वजह से जो टॉप लेयर जो सॉइल होती है वो रिमूव नहीं हो पाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाके बह नहीं पाती है। इसके बाद टेरिस फार्मिंग है, तो टेरिस फार्मिंग में क्या होता है कि हम स्टेप स्लोप बना देते हैं फ्लैट सर्फेसिस पे जहाँ पे ग्रो करते हैं क्रॉप को। इसकी वजह से क्या होता है कि पहाड़ों पे आपने देखा होगा स्पेशली जो पहाड़ होते हैं वहां पे इस तरह की टेरिस फार्मिंग होती है। तो अगर बारिश जब होती है तो एकदम स्पीड में पानी नहीं बहता है बल्कि उन सीढ़ियों की मदद की वजह से उसकी जो स्पीड है पानी बहने की वो धीरे धीरे कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो सॉइल इरोजन है वो कम होता है, वहां पे रिड्यूस हो जाती है इसकी स्पीड। इंटरक्रॉपिंग देखिए तो जब डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं वो ऑल्टरनेट रोज में उगाई जाती हैं और आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, डिफरेंट टाइम्स पे इसको उगाया जाता है टू प्रोटेक्ट दिस सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। तो इस वजह से क्या होता है, एक तो फर्टिलिटी भी सॉइल की बढ़ती जाती है और जो सॉइल इरोजन नहीं होता है। फिर देखिए कॉन्टर फ्लोइंग जो होता है, कॉन्टर फ्लोइंग में क्या करते हैं कि फ्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टर्स, कि यहाँ पे जो खेती होती है क्या करते हैं चारों तरफ जो है बाउंड्रीज बना दी जाती है खेत की और बीच में फार्मिंग की जाती है। तो अगर बारिश होती है तो उसके से वो जो टॉप लेयर सॉइल होती है वो वॉशअप नहीं होती है। शेल्टर बैंक्स में ये ज्यादा कोस्टल और ड्राई रीजन में क्या करते हैं रोज बना दी जाती है चारों तरफ खेतों के, और शेल्टर मतलब शेडोज स्पेशल समझिए पेड़ों की मदद से, तो चारों तरफ जो है प्लांट ट्रीज जो है वो प्लांट कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो हाई स्पीड जो वेलोसिटी जो विंड की होती है वो स्लो हो जाती है और वो सॉइल को रिमूव नहीं कर पाती है। तो देखिए मल्चिंग जिसमें बताते हैं स्ट्रॉ बिछा देते हैं, उसके बाद देखिए कॉन्टर बैरियर्स क्या होते हैं कि स्टोन्स की एक बैरियर लगा दी जाती है फसलों के बीच में जिससे पानी होता है तो वो एक जगह स्टोर हो जाते हैं। फिर रॉक डैम किस तरह से वाटर की स्पीड कम कर देते हैं पूरा का पूरी दीवार बना के, टेरिस फार्मिंग इस तरह से, इंटरक्रॉपिंग काफी सारी जहां तरह की फसलों को एक साथ लगा देते हैं क्रॉप इंटरक्रॉपिंग में रोज में डिफरेंट डिफरेंट रोज में काउंटर फ्लोइंग बाउंड्रीज बना दी जाती है जिससे कि पानी जो है बहके कहीं और ना जाए और जो टॉप लेयर है वो भी ना बहे। इसके बाद शेल्टर बैग की खेतों के चारों तरफ जो है बड़े बड़े ऊन लंबे लंबे पेड़ जो होते हैं वो लगा दिए जाते हैं क्योंकि विंड की जो वेलोसिटी है उसको कम कर देते हैं। फिर इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट रिसोर्स पे जो कि वाटर है। तो वाटर एक वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है और 3/4 जो अर्थ सर्फेस है वो वाटर से कवर है। इसके साथ ही हम वाटर प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। इसके बाद ओशन जो है 2/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस को कवर किया गया है। यहाँ पे रिच वैरायटी प्लांट और एनिमल लाइफ जो सस्टेन करते हैं वो बिकॉज ऑफ वाटर ही करते हैं और काफी सारे जो ओशन वाटर देखोगे तो सैलाइन होता है और इस वजह से वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं होता है। 2.7 ही फ्रेश वाटर है और 70% आप देखो तो वो अकल करता है आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के रूप में अंटार्कटिका ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन में। इस तो इन्होंने पूरा वही बताया कि किस तरह से कहाँ कहाँ कौन कौन सा किस तरह के सोर्सेस हैं वाटर के और कितना फ्रेश वाटर है।
कितना हमारे लिए यूजफुल है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें ये भी समझना है कि किस तरह से हमें इसको स्टोर करना है, हमें सेव करना है। उस पर काफी बार आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, तो वो वाटर साइकिल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पे कि एक कॉन्स्टेंट मोशन होता है, साइकिलिंग थ्रू द ओशन, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। तो ये वाटर साइकिल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर वाटर का यूज पता है कि कहाँ कहाँ है, तो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वर्स ऑफ डैम्स आर दी अदर यूजेजेस। तो और इसके साथ ही देखिए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, राइजिंग डिमांड फॉर फूड है, कैश क्रॉप्स हैं, तो डेली की हर एक जरूरत के लिए पानी की काफी ज्यादा उपयोगिता है। तो काफी ज्यादा वाटर पोल्यूशन जैसी समस्याओं को भी फेस करना पड़ रहा है। और प्रॉब्लम्स अगर देखें वाटर से रिलेटेड, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आज फेस करनी पड़ रही है, शॉर्टेज हो रही है फ्रेश वाटर सप्लाई की। तो कुछ कंजर्वेशन मेथड्स बताए कि वाटर कैसे रिसोर्स कर सकते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, किस तरह से वाटर को जो रेन के थ्रू जो वाटर आता है उसको किस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं, पाइप के थ्रू टैंक्स बना सकते हैं वहां पे स्टोर कर सकते हैं, डैम्स के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। और फिर बैम्बू ड्रिप इरीगेशन, अगर नॉर्थ इस साइड में आप देखेंगे तो काफी सारा बैम्बू ड्रिप इरीगेशन वहाँ पे ये टेक्निक पाई जाती है, स्ट्रेटेजी वो यूज करते हैं किस तरह से बारिश का पानी और जो दो झरनों का पानी होता है उसको बैम्बू की मदद से अपने घरों में या फिर कहीं भी कलेक्ट करते हैं और इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। फिर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल वेजिटेशन का देखें तो काफी ज्यादा हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट ग्रासलैंड स्क्रब्स और टुंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है, थ्रू आउट वर्ल्ड पाई जाती है, हैवी रेनफॉल होता है जिसके वजह से ये सारी सारी वेजिटेशन पॉसिबल हुई है। अगर ड्राई एरियाज की बात करें लो रेनफॉल में, तो वहाँ पे थॉनी श्रब्स और स्ट्रब्स होते हैं जिनकी जो लीव्स होती हैं थॉनी होती हैं, और वैक्स की कवर होता है उनका, अगर सरफेस देखो तो वैक्स ही होता है। अगर आपने कैक्टस की लीव्स देखी होंगी, जिससे कि कम से कम ट्रांसपिरेशन हो, कम से कम वाटर रिड्यूस हो उनसे। ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में देखें तो टुंड्रा वेजिटेशन है, पोलर रीजन में वहाँ पे मॉसेस और लाइकेंस हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वो कभी अपनी जो पत्तियां हैं वो शेड एक साथ नहीं शेड करते हैं, इस वजह से ये पूरे साल हमेशा हरा भरा दिखता है ये जंगल। डेजर्टियस फॉरेस्ट जो है वो शेड दिया लीफ एक पर्टिकुलर सीजन में अपने लीफ को गिरा देते हैं। डेस फॉरेस्ट का फर्दर क्लासिफाइड इसके बाद के डेजर्टियस फॉरेस्ट होते हैं, वो भी दो तरह से होते हैं, एक ड्राई होता है, एक वेट वाला भी होता है। फिर कंजर्वेशन देखें नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ का तो बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है एक रियल वेल्थ है, प्लांट्स वहाँ पे शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, इसके साथ ही हमारा पूरा इकोसिस्टम मेंटेन करते हैं। मैनी स्पीशीज आप देखें तो आज बहुत ही एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स होती है, सुनामी, लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन मेड एंड नेचुरल फैक्टर्स जिसकी वजह से धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। तो अब हमें समझना है कि किस तरह से हमें कंजर्व करना है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, जो वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा फाउना। तो काफी सारे देखिए एनिमल्स, और इसके पहले हमने वेजिटेशन के बारे में पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कुछ बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सके। इसके साथ ही वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया जाता है, जो इंकरेज करता है कि किस तरह से हम और भी ज्यादा ग्रीनरी जो है अपनी कंट्री की, अपनी आर्थ की बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ एक्टिविटीज पे बैन भी लगा गया है, अगर आप इलीगल घोषित किया गया है उसके, अगर आप किसी भी एनिमल्स को मारते हैं तो उसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिलती है। तो कुछ एनिमल्स के नाम भी यहाँ लिए गए हैं कि इनकी हंटिंग जो है टोटली बैन की गई है, तो इस तरह के लॉज बनाए गए हैं। इसके साथ ही देखिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें लिस्ट है सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स की जिनका ट्रेड जो है प्रोहिबिटेड है। कंजर्वेशन प्लांट्स और एनिमल्स का करना एक हर एक सिटीजन की ड्यूटी है। ग्लॉसरी भी देखिए आपको साइड साइड डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया था, बायोस्फीयर रिजर्व, नेचुरल एरिया क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है, फिर ड्यू नो करके कुछ फैक्ट्स हैं, फिर रेन वाटर देखिए किस तरह से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन दी गई है, क्या इसमें होता है, वल्चर्स के बारे में बताया गया है कि क्यों वो किडनी फेलियर हो रहे हैं, किस तरह से वो मरे जा रहे हैं, इतने सारे साइट्स की डेफिनेशन दी है, साइट्स के बारे में बताया है, और भी कुछ की किस तरह का एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट में, किस तरह से जो ट्रेड है, इन सब जो कुछ लिस्ट में कुछ एनिमल्स दिए गए हैं उनके नाम मेंशन किए, तो उनका ट्रेड प्रोहिबिटेड किया गया है। तो आई होप इस तरह से आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।